ये है 178, ठीक हो गया। ये केम की टाइमिंग हो रही है 178 पे। SWF मशीन है, जेनियन। मैं ये हूँ, ठीक है, नहीं कर रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को केम की टाइमिंग, जेनियन जो है SWF की कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपका ये कपलिंग जो है लूज होना चाहिए, और उसके बाद ये सुराख नज़र आ रहे हैं, ये जो सकली पे है ये यहाँ पे ये दो सुराख हैं। ये कट जो नज़र आ रहा है इसका कॉलर का, उस वाले कट पे बांधनी चाहिए, ऊपर वाले कट पे, ठीक हो गया। नीचे वाले पे 201 है, वो 178 है। तो अब आपने करना क्या है, गुटके को फुल नीचे जोर देना है, यहाँ फुल नीचे जोर दे के इस तरह से, और ये कट जो है यहाँ पर, इस पर तो सुराख वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको बाकियों के साथ बांध रहा हूँ मैं यहाँ पे ऊपर करके। तो आपने भी इस तरीके से मतलब कि केन की टाइमिंग बांधनी है। इसको यहाँ पे करके उसके बाद टाइट कर देना है केम को। सही हो गया। ये थोड़ा मोबाइल हिल गया था, यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे टाइट हो गया। दूसरे के भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखा इसके ये वाले सुराख सामने आ रहे हैं बिल्कुल ऊपर। तो अभी ये भी, ये खुली हुई है बिल्कुल, इसको मैंने फुल जोर दिया हुआ है, नीचे किया हुआ है। वापस आपने इसको लाना है 178 के इस नुक्ते के बराबर, यानी कि ये वाला जो कट है, सही है। उसके बाद आपने इसको टाइट करना है, गुटके को फुल नीचे जोर देके। अच्छी तरह से केम को टाइट कर लेना, सही है। देखिए ये गुटका बिल्कुल नीचे है,
तो इसी तरह से आपने केम की टाइमिंग बांधनी है, और उसके बाद इसके शटल की टाइमिंग भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, नीडल की टाइमिंग भी बताऊंगा। पूरी खुली हुई है ये, वो आखिर के दो हेड लगा के मैंने चलाया है, कंफर्म किया है। ये बीच में यानी कि कोई और बंदा कर रहा था तो ये बीच में मुझे ये मिली है मशीन, वो बंदा भाग गया तो इस वजह से ये बीच में मशीन मुझे मिली है, तो अभी बाकी का काम आधा जो है वो मैं कर रहा हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।